जिंदगी का सफर सुहाना हो इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा के आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है और आज की ये खबर मेंटल हेल्थ के जायकेदार इलाज से जुड़ी है। ये तो आपने सुना होगा कि दिल का रास्ता पेट से होकर जाता है, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी और अच्छा भी लगेगा कि दिमाग का भी पेट से हैप्पी कनेक्शन है। अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी ने अपनी स्टडी में दावा किया है कि अगर मानसिक समस्या है, तनाव है या एंजाइटी है तो मनपसंद खाना चाहिए। बढ़िया शानदार खाना आपको टेंशन से निजात दिला सकता है। ये स्टडी हमारे रोजमर्रा की जिंदगी के तनाव और उसके इलाज से जुड़ी है, इसलिए जरूरी है कि इसे लेकर हॉर्न बजाया जाए। डिप्रेशन हो जाएगा छू मंतर, मेंटल प्रॉब्लम्स की हो जाएगी छुट्टी, न तनाव बनेगा सरदर्द का सबब, न एंजाइटी करेगी परेशान। अगर मिलता रहे मनपसंद खाना तो मेंटल प्रॉब्लम्स का मिट जाएगा नामो निशान। अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया की एक नई रिसर्च उन तमाम लोगों के चेहरों पर मुस्कान ला सकती है जो मेंटल प्रॉब्लम्स से जूझ रहे हैं। ये रिसर्च मानसिक रोगियों के लिए राहत का पैगाम लाने के साथ साथ पेट और मन के बीच गहरे रिश्ते के कई रहस्यों का खुलासा भी कर रही है। असल में आज की दौड़ भाग भरी जिंदगी में टेंशन और डिप्रेशन एक आम समस्या बन गई है। आंकड़े बताते हैं कि भारत में करीब 40% लोग किसी न किसी रूप में मेंटल डिसऑर्डर से जूझ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद इनमें से सिर्फ 10% लोगों को ही मेडिकल सहायता मिल पाती है। कई मामले तो कभी डॉक्टर के पास पहुंचते ही नहीं और कुछ मामले देरी की वजह से गंभीर रूप ले लेते हैं। ये मानसिक परेशानी कई बार घरेलू हिंसा की वजह भी बन जाती है, इसलिए इस समस्या को लेकर सावधानी वाला हॉर्न बजाना जरूरी है। मेंटल प्रॉब्लम्स के लिए अभी तक आसपास के माहौल और फिजिकल हेल्थ को ही जिम्मेदार माना जाता था, लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया की रिसर्च में कई नई जानकारियां सामने आई हैं। इस रिसर्च के मुताबिक जायकेदार खाना स्ट्रेस मैनेजमेंट में बेहद कारगर है। अच्छा खाना एंग्जाइटी और डिप्रेशन में दवा जैसा काम करता है। अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लिए लैक्टोबैसिलस जैसे गुड बैक्टीरिया जिम्मेदार होते हैं। पसंदीदा खाने में मौजूद लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया इम्यून सिस्टम के लिए वरदान है। ये बैक्टीरिया मेंटल स्ट्रेस और डिप्रेशन को ठीक करता है। पेट में गुड बैक्टीरिया होने से इंसान अच्छा महसूस करते हैं, यानी मेंटल हेल्थ सीधे पेट से जुड़ा है। अभी तक मरीजों के खाने को बेस्वाद और फीका माना जाता था, लेकिन इस नई रिसर्च ने मेंटल स्ट्रेस से जूझ रहे लोगों के खाने का जायका बदल दिया है। लेकिन जायकेदार खाने का फायदा सिर्फ गुड बैक्टीरिया तक सीमित नहीं है। जानकार बताते हैं कि टेस्टी खाना पेट में जाने से पहले जीभ के जरिए दिमाग को सिग्नल भेजता है। पसंद का खाना मिलने से मन में खुशी महसूस होती है। खुशी महसूस होने पर शरीर से फोन डोपामाइन हार्मोन रिलीज होता है। इस हार्मोन की वजह से लोग रिलैक्स फील करते हैं और तनाव दूर हो जाता है। यानी लजीज खाना गुड बैक्टीरिया के साथ साथ गुड हार्मोन्स के जरिए भी मन को तंदुरुस्त रखने में मदद करता है। अगर टेस्टी फूड हेल्दी भी हो तो पेट और जीभ दोनों के जरिए दिमाग को खुश रखने का सिग्नल जाता है। इससे जीभ और पेट के खुश होने का सिलसिला आगे दिमाग तक जारी रहता है। रिसर्च के मुताबिक जो स्वादिष्ट खाना मेंटल हेल्थ के लिए वरदान है उनमें इडली डोसा जैसे फर्मेंटेड फूड, दही और दूसरे मिल्क प्रोडक्ट्स, डार्क चॉकलेट, सूखे मेवे, बेरी, टमाटर, हरी पत्तेदार सब्जियां, एवोकाडो, शहद, गुड़ और साबुत अनाज शामिल हैं। पुरानी कहावत भी है, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। अब यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया की नई रिसर्च ने भी इस कहावत पर मुहर लगा दी है। यानी मुमकिन है कि आने वाले दिनों में डिप्रेशन के शिकार मरीजों को डॉक्टर दवा देने की बजाय किसी अच्छे रेस्तरां जाने की सलाह दें। और हाँ, मानसिक समस्या को लेकर खुद भी सतर्क रहें और दूसरों के लिए सावधानी वाला हॉर्न जरूर बजाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। जायकेदार मनपसंद खाने से दिमाग का क्या कनेक्शन है और इससे मानसिक समस्याओं का इलाज कैसे मुमकिन है, बता रहे हैं डॉक्टर शरद मल्होत्रा। यदि हम खाने की बात करें तो चंद ऐसे खाने होते हैं जो हमारे ब्रेन में अच्छे केमिकल्स को बढ़ावा देते हैं, जिसकी वजह से इंसान को एक
अच्छी फीलिंग आने लगती है, उसको अच्छा महसूस होता है। इस प्रकार के फूड्स को हम कई बार कंफर्ट फूड का भी नाम देते हैं। याद होगा आपको कि स्कूल से निकलते हुए हम कोई पर्टिकुलर चीज़ खाते थे, शायद जो कि कहीं पे एक मिठाई होती थी, तो उसे खा के हमें बड़ा अच्छा लगता था। तो आज भी यदि हम अपने स्कूल के आगे से निकलते हैं तो वही सेम फीलिंग आती है कि हम चल के उस चीज़ को खाएं तो हमें अच्छा महसूस होगा। प्रिसाइसली यही फीलिंग वो कम्फर्ट फूड भी देता है। सिंपल चीज़ों की बात करें तो जितना ताज़ा बना खाना, फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल्स, चिकन, टर्की, ये सारी किस्म की चीज़ें जो होती हैं कुछ अच्छे केमिकल्स को ब्रेन में बढ़ावा देती हैं, जिससे अवसाद या डिप्रेशन कम होता है। बनाना यानी कि केला एक बहुत ही अच्छा केमिकल फूड है, जिसके अंदर सेरोटोनिन नाम का केमिकल होता है, जो अगेन ब्रेन की एक्टिविटी को हेल्प करता है। हमने सबने सुना होगा कि यदि आप डिप्रेस्ड हैं तो चॉकलेट खाइए, डिप्रेशन दूर हो जाएगा। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि डार्क चॉकलेट खाने के साथ भी यही केमिकल्स जो होते हैं हमारे ब्रेन के अंदर चेंज हो जाते हैं। साथ ही साथ में जब हम टेस्टी खाना खाते हैं या स्वादिष्ट खाना खाते हैं तो उसके साथ हमको एक फील गुड फैक्टर आता है, क्योंकि हम उस टेस्ट को इमीडिएटली असेस कर सकते हैं, जान सकते हैं। तो जैसे मैंने कहा, हमारे जीवन के अंदर तनाव भी आएंगे और डिप्रेशन का समय भी आएगा। फूड, खासकर अच्छा बना हुआ स्वादिष्ट खाना, उसमें मदद तो कर सकता है, लेकिन उस चीज को एंटायरली नहीं हटा सकता।